अस्सलामुअलैकुम आईना न्यूज के साथ मैं हुरबा बक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपनी ट्विटर बायो तब्दील कर दी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने अपनी बायो में साबिक वजीर आला पंजाब का इजाफा कर दिया। हमजा शहबाज की हालिया ट्विटर बायो में अब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वजीर आला पंजाब मेंशन है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे जबकि अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होंगे। ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तियारी को आईनी तहफ्फुज़ हासिल है, इसके इख्तियारात को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि रियासत के तमाम इदारे अपने आईनी हदूद में रह कर काम करें। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली में किए गए अपने खिताब से मुतालिक एक ट्वीट की। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि कौमी असेंबली में मेरे खिताब का मरकज़ और महूर था कि जमहूरी निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलने दिया जाए और उसे मौसर अंदाज में काम करने दिया जाए। नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से मरकज़ में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बातचीत शुरू कर दी। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी क़यादत से कबल अस वक्त इंतखाबात के ऑप्शन पर भी बातचीत हुई। सराय का बताना है कि नवाज शरीफ PDM रहनुमाओं और शहबाज शरीफ से कई बार कबल अस वक्त इंतखाबात और हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बात कर चुके हैं। ताहम आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर ने हुकूमत छोड़ने की मुखालफत की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबका अहलिया रेहम खान ने एक बार फिर उन्हें तनकीद का निशाना बना डाला। ट्विटर पर रेहम खान ने इमरान खान के दिए गए बयान का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें इमरान खान ने कहा था कि 3 माह कबल करप्ट लोगों को मुसल्लत करके कौम की तौहीन की गई। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा मेरा मुल्क। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद पर उन्हें पंजाब पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उस दौरान उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि वो अब भी इमरान खान को ही अपना वज़ीर आज़म मानते हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि यूनिवर्सिटियों को मौशी लिहाज से खुद मुख्तारी की तरफ जाना होगा। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह ने भारतीय हम मुनसिब AK पाल से राबता करके उनसे मुतनाज़ा आबी मनसूबों के मुआयने का शेड्यूल मांग लिया। इंडस वाटर हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब पर बनने वाले कैरो और रेतले डैमों के डिज़ाइन पर एतराज़ है जिसकी वजह से भारत से इन डैमों के मुआयने का शेड्यूल मांगा गया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि यके बाद दीगरे विकटे गिरने से प्रेशर आता है और श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी ऐसा ही हुआ। बाबर आजम ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच की सूरत हाल पर बात की और कहा कि आज सुबह आगाज में पिच मुख्तलिफ नहीं थी, हल्की बारिश के बाद विकेट से स्पिनर्स को मदद मिली, पिच का ज़्यादा मसला नहीं था, हमारी पार्टनरशिप वैसी नहीं लगी जैसी लगनी चाहिए थी। पाकिस्तानी सुपरस्टार हुमायूं सईद बाज़ाब्ता तौर पर टिकटॉक का हिस्सा बन गए हैं जिससे उनके मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरे पास तुम हो जैसे मकबूल ड्रामे के अदाकार ने इस प्लेटफॉर्म पर बतौर तस्दीक शुदा अकाउंट एंट्री दी है जिसके बाद उनके फॉलोअर्स की तादाद नहायत तेजी से 50,000 से तजावुज कर गई है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईना न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।